हरिमन शर्मा, गांव पनियाला, डाकघर कोठी, तहसील घुमारमी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। इसके फल बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और नेपाल में भी फ्रूट दे रहे हैं। अच्छा। उन लोगों के सब चित्र फोटो मेरे पास भेजे हैं। सेब, जिसका नाम सुनकर के ही ठंडे प्रदेशों के नाम याद आने लगते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होने वाला सेब अब गर्म क्षेत्रों में, वो भी मैदानी क्षेत्रों में होने लग रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। बर्फ की चादरों में लिपटा रहने वाला सेब अब लू की थपेड़ों को खाता हुआ बिल्कुल शान से झूम रहा है, वो भी गर्म क्षेत्रों में। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ हरिमन शर्मा जी के कारण, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस वैरायटी का निर्माण किया है, जिसे कि आप HRMN99 एप्पल वैरायटी के नाम से जानते हैं। उनके इस असाधारण काम से लाभान्वित जरूर होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल और आप सभी का अमेजिंग गार्डनिंग विद राहुल में स्वागत करता हूं। अभी तक आप जो भी वीडियो में देखा वो है HRMN99 का पौधा जो कि सेब से लदा हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, हरिमन शर्मा द एप्पल मैन ऑफ हॉट क्लाइमेट एप्पल वेराइटी HRMN99। जैसा कि आप जानते हैं हरिमन शर्मा वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। किसान भाइयों, हरिमन शर्मा जी ने हमें ओरिजिनल 6 HRMN99 के पौधे हमें गिफ्ट किया है। मैं उनको हम सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, मैं हरिमन शर्मा जी को सिर्फ इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ कि उन्होंने हमें पौधे गिफ्ट किए हैं, बल्कि इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है जिससे पूरे विश्व में हॉट क्लाइमेट एप्पल वैरायटी में एक क्रांति आ चुकी है। किसान भाइयों, जिस तरीके से HRMN99 की पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसी तरीके से HRMN99 के बहुत सारे फ्रॉड होने स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से ओरिजिनल HRMN99 हॉट क्लाइमेट एप्पल हरिमन शर्मा जी से मंगा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी आपको पूरे अच्छे से समझ में आ सके और साथ ही आपको एक संपूर्ण जानकारी मिल सके। जिस प्रकार से HRMN99 गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में आसानी से फल फूलने लग रहा है, उसी प्रकार से और भी 14 से 15 वैरायटीज़ एप्पल की ऐसी हैं जो कि HRMN99 की तरह ही फल फूल दे सकती हैं, वो भी मैदानी इलाकों के गर्म क्षेत्रों में। किसान भाइयों, सेब की लगभग 4000 वैरायटीज़ पाई जाती हैं पूरे विश्व में, उनमें से मात्र 14 से 15 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे इस गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में आसानी से हो सकती हैं। तो अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने उसके बारे में इससे पहले डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां जाकर के उन सेब की प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से कि आपको उन सभी वैरायटीज़ के सेब के पौधों के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। जो आप अभी सेब का जो पौधा देख रहे हैं इसमें अभी फूल से फल बनने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और ये धीरे धीरे फल बनने लग रहे हैं और इसके बाद ये लंबाई लेने लगेंगे कुछ दिनों बाद। तो किसान भाइयों, चलिए जो हरिमन शर्मा जी ने हमें सेब के पौधे गिफ्ट किए हैं उन पौधों को खोल करके देखते हैं कि पौधे कैसे आए हुए हैं, कितने साल के पौधे हैं और उनका रूट्स कैसे हैं, चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप जितने पौधे देख रहे हैं इसमें पौधे भेजे गए हैं हरिमन शर्मा जी द्वारा, ये सारे पौधे टिशू कल्चर के दिए गए हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं कि किस तरीके से पौधे आए हैं। ये आप जो देख रहे हैं अभी ये 6 पौधे हैं इसमें और इसमें प्रॉपर जो है पैकिंग की गई है इसमें अच्छे तरीके से बिल्कुल, और साथ ही आप देखेंगे कि इसमें जो है फ्लावर बर्ड भी बने हुए हैं, ये देखिए। तो आप जब भी पैकिंग खोलें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो फ्लावर बर्ड है वो ना टूटे, बाकी ट्रांसपोर्टेशन में टूट जाता है तो अलग बात होती है, लेकिन आप जब पैकिंग खोलें तो उसमें हो सकता है कि आपका जो फ्लावर बर्ड टूट जाए, तो इसको बचा करके खोलें, है ना।
जिससे कि आपको, क्योंकि ये फ्लावर बड्स ही होते हैं जिनमें कि फ्लावरिंग आ जाती है जल्दी से और आपको इससे फ्रूट प्राप्त हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पौधे जो हैं काफ़ी अच्छे कंडीशन में भेजे गए हैं, थोड़ा सा टूटा ज़रूर है ऊपर से तो, लेकिन बाकी सब बहुत ही स्वस्थ पौधे भेजे गए हैं। ये इन्होंने जो डबल लीडर था तो उसको कटिंग करके सिंगल लीडर बना दिया गया है। तो आइए इनका रूट्स को देखते हैं। ये जो आप रूट्स देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छे डेवलप्ड रूट्स हैं और इसके अंदर इन्होंने पीट मॉस दे के भेजा हुआ है। ये देख रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, तो पीट मॉस मॉइस्चर को बनाए रखता है जिससे कि पौधे को पानी की कमी नहीं होती है। हरिमन 99 है। अच्छा जी, इस फल की खासियत है ये कि जून महीने में अच्छा। पकना शुरू हो जाता है अच्छा। उस समय मार्केट में कोई फल नहीं। ये आप देख रहे हैं हरिमन शर्मा फल पौधशाला व सेब आम फर्म पनियाला, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और साथ ही ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। इनको 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार, 15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। इनका जो ये फल पौधशाला है ये घुमारवीन नेशनल हाईवे से बिल्कुल सट कर लगा हुआ है, तो आप कभी भी इनका पौधशाला के पास पौधे लेने वो इनका फार्म देखने जा सकते हैं या इनसे मिल भी सकते हैं। मैं हरिमन शर्मा, गांव पनियाला, डाकघर कोठी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। अच्छा जी, वर्ष 2000 तक किसी ने यह नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर लगने वाला सेब लू के थपेड़ों, जहाँ तापमान अधिकतम 45 से 50 डिग्री तक जाता है, सफलतापूर्वक आम, अनार, कॉफ़ी व लीची के साथ उगाया जा सकता है। मैंने वर्ष 1999 से इस कार्य पर शोध करना शुरू किया व मुझे वर्ष 2007 में इसमें सफलता मिली। और जब कोई वैज्ञानिक नहीं मानता था कि बिलासपुर में भी सेब हो सकता है, तो मैंने 15 किलो सेब और लगभग 6-7 किलो आम एक क्रेट में डाले और मैं शिमला में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी से मिला और उन्होंने कृषि और बागवानी विभाग की मीटिंग बुलाई व उसमें सेब को खिलाया कि आप लोग कहते हैं कि सेब बर्फीली पहाड़ियों पे ही होता है, परंतु ये तो तैयार हो गया। उसके बाद ये परिचर्चा चलती रही व उस तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2007 को मुझे पौंटा साहब में राज्य स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार व 15 अगस्त 2008 को प्रेरणा स्रोत सम्मान पुरस्कार फतेहपुर पौंटा कांगड़ा साहब में दिया गया। उसके बाद दिया निरंतर मीडिया में चलती रही व वर्ष 2014 में मैं वाइब्रेंट कृषि सीमेंट उत्सव में गुजरात गया था, गांधीनगर, जहां मेरा परिचय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ। उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल करवाए गए, जो आज स्थिति यह है कि 27 राज्यों में यह हरिमन 99 किस्म पौध फल दे रही है। बार नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से ही मैंने इसके लिए पेटेंट के लिए वर्ष 2014 में अप्लाई किया और 7 वर्षों के संघर्ष के बाद 15/2/2021 को यह वैरायटी प्लांट प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पेटेंट कर दी गई है। मुझे इस कार्य के लिए अब तक राष्ट्रपति अवार्ड सहित 15 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड व 5 अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हरिमन 99 है। अच्छा जी, इस फल की खासियत है ये कि जून महीने में अच्छा। पकना शुरू हो जाता है अच्छा। उस समय मार्केट में कोई फल नहीं होता अच्छा। और अमूमन हमने इस बार लगभग 10-12 क्विंटल सेब बेचा अच्छा। जो कि 150 रुपए किलो के हिसाब से हमने मार्केट में भेजा। यह सेब साइंस एंड मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा भवन दिल्ली द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा इस पर शोध किया गया है, सारे कंटेंट निकाले गए हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसमें 0.2% शुगर है और विटामिन सी इसमें 13.8% है। टोटल में वैसे मेरे 343 पौधे हैं अच्छा। पर फल देने वाले आप भी 150 पौधा। खेती बाड़ी एक कमर्शियल धंधा है, अगर कि मतलब किसान या हमारे नौजवान इसको सही तरीके से लें और ठीक ढंग से खेती बाड़ी करें, परंतु लोगों ने आजकल का आवारा पशुओं की वजह से खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है या सरकार की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है उसकी वजह से भी लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है,
तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि बगीचे लगाएं। हमारे यहाँ पथरीली ज़मीन है, जब मैंने यहाँ तैयार कर दिया और पूरी इंडिया के 29 राज्यों में लगा है, तो यहाँ हमारे हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता। इसके अलावा मेरे लगभग 350 आम का पौधा है, 5 प्लांट्स हैं बोकेडो के हैं, ये भी मैंने एक नई वरायटी तैयार की है। अच्छा। कॉफ़ी के 5 प्लांट्स हैं। अच्छा। और लीची और चीकू, इन पे मैं कार्य कर रहा हूँ। हम अपने खेतों में बीज से पौधे तैयार करते हैं। अच्छा। फिर एक साल बाद उन पे ग्राफ्टिंग करके अच्छा। भारत के 30 राज्यों में कोरियर द्वारा भेजते हैं। अच्छा। इवन पे मैं एक बात भूल गया कि इसके फल बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और नेपाल में भी फ्रूट दे रहे हैं। अच्छा। उन लोगों के सब चित्र फोटो मेरे पास भेजे हैं। मैं अंडर मैट्रिक हूँ, 1974 में 10वीं फेल होने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। अच्छा। फिर मैंने पत्थर तोड़ने का कार्य किया। अच्छा। उसके बाद 1990 से मैंने आम के बगीचे की तरफ ध्यान दिया। अच्छा। और 1992 में मैंने हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग से नर्सरी का लाइसेंस लिया। अच्छा। आम का वर्ष 2007 में मैंने इसे हिमाचल हॉर्टिकल्चर विभाग से ही नर्सरी का लाइसेंस लिया। और अब मेरी नर्सरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पंजीकृत हो चुकी है। किसान पौध लेना चाहिए। जैसे अभी से मेरे पास भारतवर्ष के सभी जिलों से लगभग 3-4 लाख के करीब डिमांड आ चुकी है। अच्छा। और लगभग 1 लाख के करीब गवर्नमेंट सप्लाई है। अच्छा। तो उनको फोन के माध्यम से बुकिंग करवाते हैं और हम DTDC कोरियर के माध्यम से पौधे सप्लाई करते हैं। ज़्यादा कोई सुझाव नहीं है। जैसे आम का पौधा या और पौधे लगते हैं, वैसे सेब को लगाया जाता अच्छा। है। और इस पर नई फसल होने के कारण अभी तक ज़्यादा स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार नदाई करना पड़ेगी। अच्छा। उनके नीचे खरपतवार ना आने दें। अच्छा। और साल में एक बार गोबर की खाद और NPK लगभग 200-250 ग्राम डालें। दीमक की दवाई जरूर डालें, क्योंकि इसकी जड़ें मीठी होती हैं और इसकी जड़ों में दीमक लगती है। अच्छा। और बाकी इसकी कोई नहीं। और साल में एक बार इसकी प्रूनिंग करना जरूरी होता है, कटिंग। अच्छा। नहीं तो यह पौधा बहुत ज़्यादा फैलता है। जैसे आप देख रहे हैं, प्रूनिंग हुई है इसकी। अच्छा। ये साल इससे कटा है, पिछली बार यहाँ से कटा था। जो सीडलिंग पे है वो 3रे साल फल देता है। अच्छा। और जो टिश्यू कल्चर वाला है ये 5x5 फुट पे लगता है। अच्छा। और दूसरा 15x15 फुट पे लगता है। अच्छा। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको HRMN 99 के बारे में और हरिमन शर्मा जी के बारे में पर्याप्त जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। और अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और मैं हरिमन शर्मा जी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है और उनका जो ईमेल आईडी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप ओरिजिनल HRMN 99 वैरायटी के पौधे मंगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक HRMN 99 का ही पौधा है, जो कि बिल्कुल HRMN 99 इस तरीके से ही फ्रूट देने लगता है। जब ये मैच्योर हो जाता है पौधा, तो इस तरीके से इसमें फ्रूट आते हैं और काफ़ी अच्छे फ्रूट लगते हैं। इसमें बड़े तादाद में फ्रूट लग जाते हैं और आपको बस फ्लावरिंग टाइम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखनी होती है, जिससे कि आपका फ्लावर से फ्रूट सेट हो सके अच्छे से। और हमने अभी वीडियो देखा, समय दिया अपना, उसके लिए धन्यवाद। और जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से अपना जो प्यार है वो हम पर बनाए रखें। इसी तरीके से हम भविष्य में भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे, जिससे कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शक मिल सकेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। और जो भी आप हमसे चाहते हैं, जो भी आप हमें रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमने आपके रिकमेंडेशन के बाद ही लाया है। कि आपने पूछा था कि पौधे कहाँ से मंगाना है, HRMN 99 के ओरिजिनल पौधे कहाँ से मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, जिससे कि हमें एक अच्छी मोटिवेशन भी मिलेगी और हमें अच्छा भी लगेगा कि आपको ये जानकारी हमारी दी गई, पसंद आई है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।